नमस्कार, आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 7 बजे की 4 बड़ी खबरों की। पहली जो बड़ी खबर आज की है, गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने की केंद्र सरकार के फैसले पर सियासत गर्मा गई है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के फैसले को ओछी मानसिकता करार दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है उनकी सिक्योरिटी हटाना मानसिक दिवालियापन है। दूसरी जो बड़ी खबर, कोटा के जेके लोन अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के गेट पर बच्चे का शव रखकर प्रदर्शन किया। तीसरी जो बड़ी खबर है, धौलपुर में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना सदर थाना इलाके के जाटोली गांव की बताई जा रही है। चौथी जो बड़ी खबर आज की है, उदयपुर में इन दिनों निकाय चुनाव का खुमार है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है जिसमें जहां वार्ड नंबर 57 भाजपा के प्रत्याशी छोगालाल भोई एक धार्मिक आयोजन में जमकर थिरकते दिखाई दे रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आज की बड़ी खबरों। तो गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सियासत गर्मा गई है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के फैसले को ओछी मानसिकता कहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी उनकी सिक्योरिटी हटाना मानसिक दिवालियापन है। आपको बता दें कि खबर है कि गांधी परिवार को मिलने वाली एसपीजी की जगह अब जेड प्लस की सुरक्षा दी जाएगी। पहले मनमोहन सिंह की भी एसपीजी सुरक्षा थी, बाद में उसको हटा ली गई थी। गांधी परिवार से हटेगा एसपीजी का सुरक्षा घेरा। सुरक्षा घेरे में फैसले पर गरमाई सियासत। देखिए, ये बहुत ऊंचे राजनीतिक उतर आए हैं, बहुत ऊंची, बहुत लो लेवल की राजनीति उतर आए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसे बताया मानसिक दिवालियापन। जिस रूप की राजनीति कर रही है, इनकी मानसिकता का दिवालियापन है। गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने पर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर बड़ा हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि अब केंद्र सरकार निचले स्तर की राजनीति पर उतारू हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के लिए जान दी, राजीव गांधी देश के लिए कुर्बान हो गए। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि एसपीजी सुरक्षा सिर्फ जिंदगी बचाने के लिए है। अगर केंद्र सरकार इस प्रकार की राजनीति कर रही है तो यह उनके मानसिक दिवालियापन का संकेत है। देखिए, ये बहुत ऊंचे राजनीतिक उतर आए हैं, बहुत ऊंची, बहुत लो लेवल की राजनीति उतर आए हैं। जिस इंदिरा गांधी ने जान दे दी देश के लिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया, आतंकवाद का मुकाबला किया, इंदिरा गांधी की जान चली गई, सरदार बैंसी जी थे, सरदार बैंस सिंह मुख्यमंत्री थे, नेश नाबूद हो गया आतंकवाद, उनकी जान चली गई, राजीव गांधी की जान चली गई, तो ये एसपीजी कवर जो है सोच समझ के पार्लियामेंट के एक्ट के अंतर्गत मिला हुआ है। और सिक्योरिटी तो मिली है जिंदगी बचाने के लिए, और क्या है इसमें, क्या कोई लाभ क्या है? जो सिक्योरिटी मिलती है हम लोगों को, वो अगर असेसमेंट होता है कि नहीं इस लेवल की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वो मिलती है, तो इसमें ये जो जिस रूप की राजनीति कर रही है, इनकी मानसिकता का दिवालियापन है। ये अगर प्रधानमंत्री जी को चाहिए वो हस्तक्षेप करे, गृह मंत्री अपने स्तर पर कोई फैसला कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए वो इंटरवीन करे। इस पर हरकत करना किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए, और प्रधानमंत्री खुद नॉलेज में है तो देश का दुर्भाग्य है। दरअसल खबर ये है कि केंद्र सरकार गांधी परिवार को मिलने वाली एसपीजी सुरक्षा घेरे को हटाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में फैसला किया गया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की एसपीजी सुरक्षा हटाई जाएगी। यानी एसपीजी सुरक्षा हटने के बाद अब गांधी परिवार के पास महज सीआरपीएफ की जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा रह जाएगी। देश ने इससे पहले भी, गांधी परिवार ने और देश के अनेक उन नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। देश में जिस प्रकार का वातावरण आतंकवाद के नाम पर या अलग अलग धर्म समुदाय को लेकर फैलाया जा रहा है, और ऐसी स्थिति में माननीय सोनिया जी का और गांधी परिवार के अन्य सदस्यों का सिक्योरिटी कवर हटाना, ये एक बहुत गहरी साजिश का मैं समझता हूं कि एक पार्ट है। इसकी हम घोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं।
आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा से भी एसपीजी कवर हटाकर सीआरपीएफ की जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा कर दी गई थी। इस फैसले के बाद अब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के पास ही एसपीजी सुरक्षा होगी। सुरक्षा हटाने के पीछे वजह जो भी हो, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत ने बयान दिया, उससे साफ है कि आगे ये मुद्दा और भी गर्माएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त बड़ी खबर फिलहाल जयपुर से आ रही है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी हैं, साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हो रही है मुलाकात। महाराष्ट्र की राजनीति के घटनाक्रम को लेकर हो रही चर्चा, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही जयपुर से, जहां पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी साथ में हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हो रही। महाराष्ट्र की राजनीति के घटनाक्रम को लेकर इस वक्त ये मुलाकात, चर्चा चल रही। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे हैं रघु शर्मा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी इस वक्त पहुंचे हैं मुख्यमंत्री से मिलने। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी साथ में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हो रही मुलाकात। महाराष्ट्र की राजनीति के घटनाक्रम को लेकर इस वक्त बैठक हो रही, और खबर यह थी कि तमाम विधायकों को राजस्थान बुलाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने महाराष्ट्र के पूरे घटनाक्रम के लिए अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, इन सब के पीछे अमित शाह का ही खेल है। कर्नाटक में सरकार को तोड़ने के लिए क्या क्या किया, अब सबकी पोल खुल रही है। किस प्रकार वहाँ के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि पूरा खेल जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का था, उन्होंने सबको व्यवस्था करी बम्बई के अंदर। तो जिस देश के गृह मंत्री अगर ये काम करते हों तोड़ फोड़ के, तो सब लोग चिंतित होना स्वाभाविक है। मैंने सुना शिवसेना ने भी, जो उनके पार्टनर है, उन्होंने भी अपने विधायकों को कोई होटल में रखा जा ले जा करके, तो ये स्थिति बनी हुई है। तो जयपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने महाराष्ट्र में मची सियासी उठापटक के लिए बीजेपी और शिवसेना को जिम्मेदार बताया। साथ ही कहा कि अगर महाराष्ट्र की कांग्रेस विधायक राजस्थान आए हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। तो उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर भी कई सवाल किए, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर विधायक यहां पर आए हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। पूरे देश ये तमाशा देख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कि किस प्रकार से वह देश के लोकतंत्र की मजाक उड़ाते हुए और खरोंच फरोंच करके सरकारें स्थापित कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी समझती है, और यहां पर किसी प्रकार के अगर एमएलए परेशान हैं और उनको उनके पीछे बार बार उनको कांटेक्ट किया जा रहा है, तो एहतियात के तौर पे सब लोग यहां आना चाहते हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। कुछ घूमने यहां पर आए हैं, आना जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसकी जानकारी भी मुझे नहीं है, लेकिन उनका मैं स्वागत करता हूं। राजस्थान एक बहुत अच्छा राज्य है, लोग राजस्थान देखने के लिए आते हैं। लोग को बड़ा प्रचार होता है कि गुजरात में पधारें, लेकिन राजस्थान अपने आवाभगत के लिए, अपने मेहमानों के स्वागत के लिए हमेशा से प्रचलित रहा है, और मुझे गर्व है कि वो राजस्थान में आके यहाँ की इतनी अच्छी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जोधपुर में जनसुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने अभियोग को लेकर सीएम गहलोत के पास पहुंचे थे। सीएम ने सभी लोगों की परिवेदनाएं सुनी। इस दौरान सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भोपालगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह की मूर्ति का अनावरण किया और जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं घूंघट प्रथा दूर करने पर भी जोर दिया। जहाँ कहीं मुझे मौका मिला, दिल्ली में या जयपुर में, विकास मेरा ध्येय रहा जिंदगी के अंदर, गरीब की सेवा करना ध्येय रहा, किसान की समस्याओं का समाधान करना ध्येय रख के चले, क्षतिज कौम के सुख दुख में काम आओ ये प्रयास करो, ये हमने हमेशा आह्वान किया है। देखिए महाराष्ट्र का हाल जो कुछ बेहाल हुआ है, उसके पीछे बीजेपी के कारण में है। बीजेपी ने खुद ने जो है मणिपुर में भी, गोवा में भी, कर्नाटका के अंदर भी, जहाँ जहाँ उनका मौका लगा,
उन्होंने सरकार को तोड़ करके बहुमत किसी का था और सरकार खुद ने बना ली, तो ये शिवसेना ने झटका दिया इनको। वो उसी का परिणाम है, जब आप खुद फाउल खेलोगे तो कभी कभी फाउल के आप खुद शिकार होंगे। उस जमाने में लक्ष्मण राम जी बेड़ा साहब अगर बच्चों में शिक्षा की बात करते थे, अकाल सुखे में लोग सेवा करते थे, और उसी रूप में उन्होंने हमेशा गरीब की जो तकलीफ में रहता था आदमी उसकी मदद करते थे। ये और बार मिलता रहेगा मुझे तो मैं कम से कम मुख्यमंत्री बनते ही पहला काम मैंने जो किया जोधपुर में वो किया, आपके यहाँ 220 केवीए का जीएसएस का स्टेशन बनाने का काम किया। जोधपुर के मंडल के पास में 400 केवीए का जीएसएस बना। इस प्रकार से मेरठ बनाया गया, जाल बिछा दिया बिजली के जीएसएस का पूरे प्रदेश के अंदर। केंद्र सरकार की जो फेलियर है उसका नतीजा भुगतना पड़ता है, पूरे देश के राज्यों को भुगतना पड़ रहा है, उल्टा हो रहा है, अर्थव्यवस्था बहुत बिखर गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायकों के राजस्थान आने के मामले में कहा कि अभी कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को डर सता रहा है, क्योंकि दो हफ्ते बाद भी महाराष्ट्र में व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण सरकार नहीं बन पा रही, बीजेपी और शिवसेना बहुमत का मजाक उड़ा रही है। चुनाव जीतने के बाद पहली बार आप सबको याद होगा किसी राज्य में सरकार दो दिन नहीं बनती है तो भाजपा बड़ा व्यंग कसती है। आज दो हफ्ते होने को आ रहे हैं, चुनाव होने के बाद बहुमत पीपल अलायंस को मिलने के बाद सरकार नहीं बन पा रही। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए उस गठबंधन में फूट पड़ी है, उसके लिए ना तो कांग्रेस जिम्मेदार है ना एनसीपी जिम्मेदार है, वो खुद उनकी नीति उनकी सोच उनकी राजनीति जिम्मेदार है। इसलिए भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जनता पूरे नाट्यक्रम को देख रही है और समझ रही है कि जिन लोगों पर वोट डाला, जिन लोगों को विश्वास हम लोगों ने दिया, वो उस मैंडेट का मजाक उड़ा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, बीजेपी उनके सहयोगी दल हमेशा खटपट की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आज वो शिवसेना हो, ये नई बात नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार कमान संभालते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशुल्क दवा योजना को ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में लिया। गहलोत सरकार का संवेदनशीलता से अब ये योजना ऐतिहासिक सफलता की तरफ बढ़ रही है। किसी सरकारी योजना से जनता को लाभान्वित करने वाली देश की पहली ऐतिहासिक योजना बनने जा रही है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2011 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली से किया था, जिसके पहले चरण में 200 प्रकार की दवाइयां सर्जिकल उपकरणों को रखा गया था। धीरे धीरे इन दवाओं की संख्या बढ़ती गई और अब 9 साल में अस्पतालों में इन दवाओं की संख्या 712 हो गई है। इस योजना की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से जारी मासिक रैंकिंग में राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को 16 राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस योजना की तारीफ कर चुके हैं। इस योजना के तहत दो तरह से लाभ दिया जा रहा है। निःशुल्क दवा योजना ने बनाया रिकॉर्ड, राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जरूरी दवाइयों का निःशुल्क वितरण, आम लोगों के दवा पर होने वाले खर्च में कटौती, पैसों की कमी के चलते चिकित्सा सेवाओं से वंचित लोगों का इलाज संभव, दवाइयां और इंजेक्शन के साथ साथ सर्जिकल सेवा भी फ्री, नीडल डिस्पोजेबल सिरिंज आईवीए ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट और टांकों के लिए सूजर्स भी फ्री उपलब्ध। निःशुल्क दवा सेवा पहल का मुख्य उद्देश्य कैंसर, हृदय और गुर्दे से संबंधित बीमारियों और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों के स्वास्थ्य खर्च को कम करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस निःशुल्क दवा योजना को ऐतिहासिक जनहितैषी कदम बताते हुए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें हमेशा जनता के दुख दर्द में साथ खड़ी रहती हैं, उसमें भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह संवेदनशीलता दर्शाती है। मुफ्त दवाई देने की योजना मैं समझता हूँ कि एक ऐसी योजना रही है जिसे 2013 से पहले भी ना ही सिर्फ राजस्थान में
बल्कि अन्य प्रदेशों के लोगों ने भी उसको उसकी पुनरावृत्ति करने का की कोशिश की। मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार के इस निर्णय का एक दूरगामी परिणाम, सकारात्मक परिणाम, गोर गरीब और राजस्थान की जनता को, जिनकी संख्या अभी आपने बतलाई, अधिकांश लोगों को इसका फायदा मिला है। सीएम गहलोत हमेशा से पीड़ित और अभावग्रस्त लोगों की मदद के लिए सराहनीय प्रयास करते रहते हैं, जिससे हजारों जिंदगियां बची हैं। इस योजना से लाभान्वितों की संख्या ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। पांडे ने कहा कि इसी तरह कई अन्य योजनाओं के माध्यम से अशोक गहलोत सरकार जरूरतमंदों को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। मनोहर विश्नोई, जी मीडिया, दिल्ली। लेक सिटी उदयपुर की फिजा इंदौर निकाय चुनाव के रंग में रंगी हुई है। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए कई बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, फिर चाहे उन्हें जनता के सामने मस्ती में झूमना भी क्यों न पड़े। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इसमें वार्ड नंबर 57 भाजपा के प्रत्याशी छोगा लाल भोई एक धार्मिक आयोजन में मस्ती से डांस करते दिखाई दे रहे, पर यही नहीं, इस दौरान उनके समर्थक भी भोई के साथ जमकर ठुमके लगा रहे। कोटा के जेके लोन अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों का हंगामा देखा गया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के गेट पर बच्चे का शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि गर्भवती महिला को गंभीर हालत में कल रात जेके लोन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ड्यूटी डॉक्टर और नर्स ने प्रसूता पर ध्यान नहीं दिया, इसी दौरान महिला के प्रसव हुए और थोड़ी देर बाद बच्चे की मौत हो गई। सूचना पर नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। धौलपुर में एक युवक के पिटाई का मामला सामने आया है। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग युवक को बांधकर उसकी पिटाई करते दिखाई दे रहे। ये घटना सदर थाना इलाके के जाटोली गांव की बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि करीब 3 दिन पहले लोगों ने युवक को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। सवाई माधोपुर के मल्लारना डूंगर उपखंड के खिरनी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना सामने आई, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। गुस्साए ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और मेल नर्स की जमकर पिटाई कर दी। इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। इधर इस घटना के बाद चिकित्सा अधिकारियों ने मेल नर्स को एपीओ कर दिया, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा इससे भी शांत नहीं हुआ और कल देर रात बौली पुलिस थाने पहुंची और आरोपी मेल नर्स के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरबारा के एक सरकारी स्कूल की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिसमें कुछ बच्चे सड़कों पर सिलेंडर घसीटते दिखाई दे रहे। दरअसल अंता के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बटवादी में अध्यापिका लीला स्कूल के बच्चों से सिलेंडर घिसवाटती नजर आ रही हैं, घिसटवाती, और यह सिलेंडर स्कूल का पोषाहार बनाने के लिए स्कूल में आना था, लेकिन वितरण करने वाला सिलेंडर को मुख्य सड़क पर छोड़ गया। इसके अलावा पोषाहार बनने के बाद बड़े बड़े बर्तन भी बच्चों से ही धुलवाए जाते हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कहाँ ले जा रहे हो? किसने बोला था ये? किसने बोला था ये ले जाने की? कौन बच्चे हैं ये हमारे छोटे? हाँ बच्चे ना। किसने बोला था? क्यों बेटा, किसने बोला था? साथ। बेटा क्या नाम तेरा? भाई मेरे साथ है। तेरा योगेश। तो कितने छोटे बेटे मैडम? देखो आप बच्चों को, बच्चे नहीं ना तो हमारे स्कूल में। टीचर तो होगे ना? कोई भी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीला है। लीला? हाँ। अच्छा, टीचर भी मैं। और कोई भी टीचर नहीं? जब भी तो है, अब कौन ले जाता फिर? भरतपुर के पॉश कॉलोनी सूर्या सिटी में घर में जलकर महिला और उसके बच्चे की मौत का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे आगरा रोड पर पॉश कॉलोनी सूर्या सिटी में यह घर जलकर धू धू कर जल रहा है। इसी में जलकर कल दोनों की मौत हो गई थी। डॉक्टर सुदीप गुप्ता के इसी घर में दोनों जल गए थे। बताया गया है कि ये डॉक्टर
सुदीप गुप्ता की पत्नी और उसकी मां ने इसमें आग लगाई थी, क्योंकि ये लोग सुदीप और मृतक महिला के ताल्लुकात से नाराज थे। आग का धुआं जब कॉलोनी के लोगों ने उठता हुआ देखा तो इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। आग लगने की सूचना पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम, एसपी हैदर अली जैदी सहित तमाम पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। बचाव और राहत कार्य चलवाकर दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन बचाया नहीं जा सका। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यक्रम में इस वक्त हंगामा हुआ है, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यक्रम में हंगामे की खबर इस वक्त सामने आ रही है, और अभी पूरी जो तस्वीरें आएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि शिक्षा मंत्री डोटासरा के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ है, और राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यक्रम में जमकर बवाल काटा गया, इस वक्त ये बड़ी खबर। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यक्रम में हंगामे की तस्वीर जो सामने आई है, सबसे पहले इस वक्त आपको दिखा रहे कोटा से लाइव दरअसल ये तस्वीरें हैं। और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे मंत्री, लेकिन उसी दौरान जिस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ, ये तस्वीर आपके सामने है। कुछ लोग थे जो मंत्री जी से उलझ गए, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान ये हंगामा खड़ा हुआ। गोविंद सिंह डोटासरा कार्यक्रम में पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे मंत्री जी, और उसी दौरान ये कार्यक्रम हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे कोटा से लाइव तस्वीरें हैं, कोटा के दौरे पर इस वक्त मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हैं, और कार्यक्रम में जमकर बवाल काटा गया है। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जनसुनवाई का कार्यक्रम चल रहा था, लोगों की सुनवाई कर रहे थे, उसी दौरान कुछ लोग ऐसे थे जो मंत्री जी से उलझ गए बातों में, और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई है, सबसे पहले इस वक्त आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोटा से, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।